बचपन जितना बाप के लिए तरसता है उससे कहीं ज्यादा बुढ़ापा अपनी औलाद के लिए तड़पता है। बारूद के ढेर पर बैठकर आपका खेल नहीं खेलते रिजवान। कौन है ये गुस्ता? और तब मैं ये नहीं जानती थी कि गंगा नदी शक्तिमान है। अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। पीकेएस पब्लिक स्कूल चिड़ैयाकोट ने इतवार 18 फरवरी 2024 को अपना जश्न सालाना एनुअल फंक्शन बेमिसाल शान और जोशो खरोश के साथ मनाया। जश्न सालाना की तकरीब में खास तौर से तशरीफ लाने वाले फिल्मी दुनिया के मशहूर सिनेमा स्टार रजा मुराद जी और मशहूर मारूफ अदाकारा वैष्णवी मैकडोनाल्ड जी थे। सालाना दिन के प्रोग्राम का आगाज मेहमाना ने खसूसी किया तो शम्मा रोशन करके किया गया। शमा रोशन की रस्म के बाद स्कूल के होनहार तलबा व तालबात के जरिए प्रोग्राम की शुरुआत गणेश जी की वंदना के साथ हुई। पीकेएस पब्लिक स्कूल के 17वीं जश्न सालाना के प्रोग्राम में नर्सरी से लेकर क्लास 11वीं तक के तमाम तलबा व तालबात ने दिलकश रंगारंग प्रोग्रामों को पेश करके सामीन का दिल जीत लिया। नर्सरी के बच्चों के जरिए फ्लावर डांस, LKG के बच्चों के जरिए कार्टून डांस, UKG के बच्चों के जरिए बॉलीवुड डांस, क्लास फर्स्ट के बच्चों के जरिए जंगली डांस, क्लास सेकंड के बच्चों के जरिए स्कूल डांस, क्लास थर्ड के बच्चों के जरिए घोष डांस, क्लास फोर्थ के बच्चों के जरिए वात्सल्य डांस, क्लास फिफ्थ के बच्चों के जरिए पपेट डांस, क्लास सिक्स के बच्चों के जरिए डांस ऑफ इंडिया, क्लास सेवन के बच्चों के जरिए आर्म फोर्स डांस, क्लास एट के बच्चों के जरिए पैट्रियोटिक सॉन्ग और क्लास नाइन्थ के बच्चों के जरिए क्लासिकल डुओ डांस वगैरह समेत दीगर कल्चरल और रंगारंग प्रोग्रामों को पेश किया गया। बच्चों और बच्चियों ने कव्वाली पेश करके सामेईन से खूब दादो तहसीन हासिल किया। वहीं पपेट डांस के जरिए राजस्थानी तहजीब की खूबसूरत झांकी और आर्म फोर्स्ड के जरिए हिंदुस्तानी फौजियों की बहादुरी का खूबसूरत नज़ारा पेश किया गया। बच्चों और बच्चियों के जरिए पेश किए गए रंगारंग प्रोग्राम और उनके जरिए किए गए शानदार और बेमिसाल मुजाहरा देखकर मेहमान खुसूसी रजा मुराद जी ने कहा कि अपनी पूरी जिंदगी में मैंने आज चिड़ैयाकोट में मौजूद PKS पब्लिक स्कूल जैसा तालीमी इदारा पहली बार देख रहा हूँ जिसमें बच्चों और बच्चियों की तालीमी तरक्की को ध्यान में रखकर उनके रोशन मुस्तकबिल की तरफ खास तवज्जो दी जा रही है। बच्चों और बच्चियों के जरिए किए गए शानदार और बेमिसाल मुजाहरे को देखकर उनकी तालीमी सलाहियतों का अंदाजा होता है। वहीं PKS पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल सपना सिंह ने बच्चों और बच्चियों के अलावा उनके वालदैन को खिताब करते हुए कहा कि स्कूल के जरिए कराई जा रही हर सरगर्मी में हिस्सा लेना तमाम बच्चों और बच्चियों का फर्ज है और बच्चों के सरपरस्तों से भी अपील है कि वह अपने बच्चों को स्कूल की हर सरगर्मी में हिस्सा लेने के लिए तैयार करें जिससे उनकी जिस्मानी और जहनी तरक्की के साथ ही उनकी पूरी जिंदगी की तरक्की हो सके। वहीं PKS पब्लिक स्कूल के मैनेजर जनाब परवेज अहमद खान के जरिए स्कूल के कैंपस में आए हुए मुआज्जज मेहमानों, वालदैन, टीचर्स, बच्चों और बच्चियों के साथ ही स्टाफ का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। साथ ही उन्होंने कहा कि तलबा व तालबात की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए और तालीम के मैदान में मिलने वाले तमाम मौके बच्चों को मुहैया कराने के लिए हमेशा कोशा रहे हैं और आगे भी रहेंगे। PKS पब्लिक स्कूल में फिल्मी दुनिया के सुपरस्टार रजा मुराद और शक्तिमान सीरियल में नुमाया किरदार अदा करने वाली वैष्णवी मैकडोनाल्ड को स्कूल के मैनेजर परवेज अहमद खान और स्कूल की प्रिंसिपल सपना सिंह के हाथों गुलदस्ते और मोमेंटो देकर और शाल उड़ाकर पुरजोश इस्तकबाल किया गया। मेहमानों की फेहरिस्त में BJP के सीनियर लीडर अखिलेश मिश्रा गुड्डू, विक्रांत सिंह रेशू MLA मिलसी आजमगढ़ मऊ, डॉक्टर मोहम्मद इकराम हार्ट स्पेशलिस्ट AGM हॉस्पिटल हर्रा की चुंगी शहर आजमगढ़, ब्लाक प्रमुख अरुण सिंह और SDM मोहम्मदाबाद गोहना जैसे नामवर शख्सियत शामिल थे जिन्होंने PKS पब्लिक स्कूल की यौम सालाना की तकरीब को शानदार कामयाबी से हमकिनार करने वाली इज्तिमाई कोशिशों को तस्लीम करते हुए शुक्रिया अदा किया। और इन मेहमानों को PKS पब्लिक स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर परवेज अहमद खान, स्कूल की प्रिंसिपल सपना सिंह के हाथों गुलदस्ते और मोमेंटो देकर और शाल उड़ाकर उनकी इज्जत अफजाई की गई और PKS पब्लिक स्कूल में मेहमानों की आमद पर एक यादगार के तौर पर ग्रुप फोटो खिंचवाई गई जो काबिले दीद है। सामेईन को खिताब करते हुए फिल्मी अदाकार रजा मुराद शक्तिमान सीरियल में नुमाया किरदार अदा करने वाली वैष्णवी मैकडोनाल्ड ने खबरों नजर चैनल से गुफ्तगू करते हुए और सामेईन को खिताब करते हुए क्या डायलॉग बोली है वो हम आपको दिखाते हैं। और दूसरी तरफ सामेईन को खिताब करते हुए BJP लीडर अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने क्या कहा है वो भी हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। हाय KN चैनल के सभी दर्शकों को मेरा वैष्णवी मैकडोनाल्ड का नमस्कार।
आई हूँ आपके शहर में माऊ में, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और यहाँ के लोग बहुत प्रेममय है, बहुत ही नम्र है, बहुत ही मेहमान नवाजी है यहाँ पे, और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। बहुत स्पेशल महसूस कर रही हूँ। और ये PKS पब्लिक स्कूल की एनुअल डे है, और PKS पब्लिक स्कूल यहाँ का सबसे बड़ा स्कूल और सबसे प्रसिद्ध स्कूल है यहाँ पर, जो बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा और कला का प्रदर्शन करने का मौका दे रहा है। सो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, और इतना बड़ा और इतना अच्छा स्कूल माओ में। सो ऑल द बेस्ट टू PKS पब्लिक स्कूल, बहुत ही अच्छा है। यहाँ के आने का जो रास्ता भी है वो बहुत एकदम ही सिंपल और बहुत सरल है, वेरी नाइस हाईवे है, एवरीथिंग, कुछ दिक्कत नहीं हुई। और यहाँ पे मैं सरप्राइज हुई हूँ कि इतना बड़ा स्कूल यहाँ पर है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इतनी सारी चीजें, एक्टिविटीज है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, और इतना कुछ सिखाया जाता है यहाँ पे बच्चों को। एक मंच तैयार किया गया है कि वो अपने सपनों को पूरा कर सके और यू नो अपने अंदर के हुनर को बाहर दिखा सके। बच्चे यहाँ के बहुत ही प्यारे हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, बड़ों की इज्जत करना जानते हैं और बहुत आदरणीय आदर देते हैं बच्चे। तो ये बहुत अच्छा, एक उनके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी है बच्चों के अंदर यहाँ पे, और ये उनकी परवरिश के वजह से और यहाँ की जो शिक्षा मिलती है उन्हें PKS पब्लिक स्कूल से, ये बच्चे सच में बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे हैं। जनाब परवेज अहमद खान साहब, मोहतरमा सपना सिंह, दानिश अहमद खान साहब, सैफ खान साहब, इमरान खान साहब, यूसुफ खान साहब, जावेद खान साहब, और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये आपकी मोहब्बत है जो मुझे बंबई से यहां खींच लाई है। आपकी मोहब्बत के कच्चे धागे में बंधा मैं यहां चढ़ाया हूं। PKS स्कूल, PKS यानी पी से प्यारा, के से खास और एस से स्पेशल। ये प्यारा खास स्पेशल स्कूल है। 18 साल पहले जब इसकी बुनियाद रखी गई थी तो ये छोटा सा पौधा था जिसमें सिर्फ 165 बच्चे थे, और 18 साल के बाद ये एक बहुत बड़ा तनावर दरख्त बन गया है जिसमें आज, जिसके जेरे साया आज 1800 बच्चे तालीम पा रहे हैं। इससे पहले आपने मुझे अक्सर फिल्मों में, टीवी पर देखा होगा, कई बार कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते हुए भी देखा होगा। उल्टी सीधी हरकतों पर ताली बन रही है, वाह वाह वाह, मजा आ गया। तो यकीनन जब उल्टी सीधी हरकतें मैं करता होऊंगा तो आपके मुंह से गालियां भी निकलती होंगी जो मेरे कानों तक नहीं पहुंचनी थी, लेकिन आपकी तालियां जो हैं वो आज मेरे कानों में रस घोल रही हैं। आज से पहले जो हमारी मुलाकात थी वो अधूरी थी। आप मुझे देखते थे, मैं आपको नहीं देख पाता था, लेकिन आज की मुलाकात जो है वो मुकम्मल मुलाकात है। तो मैं ये कहूंगा आपको देखने पे कि बरसों से इंतजार था, आज दीद हो गई। बरसों से इंतजार था, आज दीद हो गई। बस यूं समझिए आज मेरी ईद हो गई। दोस्तों, प्यारे बच्चों, बच्चों के माता पिता, उनके वालदैन, आप सबको मैं, वालदेन को, माता पिता को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि
बड़ी जद्दोजहद के बाद आज बच्चों को एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिलता है और माँ बाप अगर अपने बच्चों को कुछ दे सकते हैं, एक ऐसी दौलत जिसे ना कोई लूट सकता है और ना छीन सकता है, वो है अच्छी तालीम, एजुकेशन। बैंक का रुपया जो है वो खत्म हो सकता है, घर के जेवर चोरी हो सकते हैं, लेकिन जो इल्म है, जो एजुकेशन है, उसे ना तो आज तक कोई छीन पाया है और ना ही कोई छीन सकेगा। तो आपने अपने बच्चों को एक बहुत ही अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया है और 18वां साल है, ये स्कूल भी जो है बालिग हो गया है, एडल्ट हो गया है। और मैं ये कहूंगा कि बच्चों, ये जो तालीमी इदारा है, ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ये ज्ञान का मंदिर है, ये इल्म की तालीम की इबादतगाह है, ये तुम्हारी बुनियाद है। इस बुनियाद को कभी भूलना नहीं, यहीं से तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत होगी और जितनी मजबूत, जितनी पुख्ता तुम्हारी बुनियाद होगी, आगे चलकर तुम उतनी ही ज्यादा तरक्की करोगे। क्योंकि अगर पेड़ की जड़ें कमजोर हैं तो वो कभी तनावर या फलदार नहीं बन सकता। तो ये जो तुम्हारी बुनियाद है, ये बहुत आगे तुम्हें लेके जाएगी जिंदगी में। आज स्कूल में हो, स्कूल की तालीम बहुत जरूरी होती है, इब्तदाई तालीम बहुत जरूरी होती है, उसके बाद कॉलेज जाओगे, यूनिवर्सिटी जाओगे, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वकील बनेगा। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, तुम्हारा ताल्लुक किसी भी पेशे से हो, सबसे जरूरी बात यह है कि अगर तुम डॉक्टर हो तो तुम्हारा फर्ज है कि जो गरीब मरीज हैं, जिनका इलाज पैसे की वजह से नहीं हो पाता है, उन गरीबों का इलाज करना, उनकी बीमारदारी करना। ऐसे और बेचारे गरीब होते हैं जिन्हें पैसे की किल्लत की वजह से इंसाफ नहीं मिल पाता है अदालतों में। अगर वकील बनोगे तो कुछ वक्त ऐसे गरीबों का भी साथ देना जो पैसे की वजह से इंसाफ नहीं पाते, वरना तालीम का कोई मतलब नहीं है बच्चों, कोई मतलब नहीं। बस इसी प्यार के कच्चे धागे में मैं बंधा चला आया हूं और मुझे लगता है कि शुरुआत तो हो गई है। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो बड़ा अच्छा यहां पे माहौल है, बड़े खूबसूरत चेहरे दिखाई दे रहे हैं, पुर रौनक चेहरे दिखाई दे रहे हैं। बस मैं ऊपर वाले से, ईश्वर से, अल्लाह से यही दुआ करता हूं कि यहां अमन व चैन कायम रहे, आप सब भाईचारगी से रहें, यहां एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की इज्जत करें, यही मैं चाहता हूं। और जिस तरीके से आपने आज मेरा इस्तकबाल किया, मेरे पास लव नहीं है कि उस प्यार का मैं क्या जवाब दूं। मैं बहुत गरीब आदमी हूं, उस प्यार का जवाब मैं दे नहीं सकता। बस एक नज्म के जरिए आपके प्यार जो मुझे पिछले 53 साल से मिल रहा है, पिछले 53 साल से फिल्मों में काम कर रहा हूं, 19 जबानों में काम कर चुका हूं,
और 584 फिल्में मेरी कथा कर चुकी। ये आप ही की वजह से है, आपकी वजह से, आपके प्यार की वजह से। सरकारी नौकरी भी जो है 30-35 साल के बाद जो है आपको रिटायर कर देती है, लेकिन मुझे 53 साल हो गए और स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, अभी भी अच्छा खासा काम कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो दर्शक है उसी का प्यार आपको फर्श से अर्श पर ले जाता है। कोई भी फनकार, कोई भी कलाकार जो है वो मां के पेट से पैदा नहीं होता, आप उसे बनाते हैं, आपका प्यार उसे बनाता है। तो मैं इस नज़्म के जरिए आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप क्या जाने मुझको समझते हैं क्या, आप क्या जाने मुझको समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। इस कदर प्यार इतनी बड़ी भीड़ का मैं रखूंगा कहां, इस कदर प्यार रखने के काबिल नहीं। मुझको इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों, मुझको इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों, सोच लो दोस्तों इस कदर प्यार कैसे संभालूंगा मैं, मैं तो कुछ भी नहीं। प्यार, प्यार अगर एक शख्स का भी मिल जाए तो बड़ी जीत है जिंदगी के लिए। प्यार अगर एक शख्स का भी मिल जाए तो बड़ी चीज है जिंदगी के लिए। आदमी को यह भी मगर मिलता नहीं, ये भी मिलता नहीं। मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे, मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे, ये मेरा हक नहीं मेरी तकदीर है। मैं जमाने की नजरों में कुछ भी ना था, मैं जमाने की नजरों में कुछ भी ना था, मेरी आंखों में अब भी वो तस्वीर है। इस मोहब्बत के बदले में क्या नजर करूं, मैं तो कुछ भी नहीं। इज्जतें चाहतें शोहरतें उल्फतें, इज्जतें चाहतें शोहरतें उल्फतें, कोई भी चीज दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था, आज मैं हूं जहां कल कोई और था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था। आज इतनी मोहब्बत न दो दोस्तों, आज इतनी मोहब्बत न दो दोस्तों कि मेरे कल की खातिर कुछ ना बचे। आज इतनी मोहब्बत न दो दोस्तों कि मेरे कल की खातिर कुछ ना बचे। आज का प्यार थोड़ा बचाकर रखो मेरे कल के लिए, आज का प्यार थोड़ा बचाकर रखो मेरे कल के लिए। कल, कल जो अनजान है, कल जो वीरान है, कल जो गुमनाम है, कल जो सुनसान है, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। जोरदार तालियां सर रजा मुराद जी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वो निमंत्रण स्वीकार किया हमारा। जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और मुझे खिताब करने का मौका दिया गया यहाँ इतनी प्यारी गैदरिंग का। बस ये है कि अब आया हूं तो PKS स्कूल फिर कहता हूं, पी से प्यारा, के से खास, एस से स्पेशल। PKS स्कूल जब भी मुझे किसी भी फंक्शन के लिए बुलाएगा, मैं बाहोशो आवाज आपके सामने ये वादा करता हूं कि फिर एक बार आपका प्यार मुझे यहां कैशकर लाएगा और मैं आऊंगा। आखिर मैं इतना ही कहूंगा कि शराबों को आंखों में महफूज रखना, शराबों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर बड़ा हाथ होगी। अभिनय था जब मैं गंगाधर को डांटती थी, मुझे बहुत मजा आता था, और तब मैं ये नहीं जानती थी कि गंगाधर ही शक्तिमान है। तो उसी समय की ये बात है,
गगाधर को कहा गया था कि वो शक्तिमान के चित्र खींच कर लाए, लेकिन गंगाधर कुछ भूल गया। देखिए गगाधर, गंगाधर बोलिए देवी जी, गगाधर क्या तुम तो शक्तिमान के फोटोज खींच कर लाए? लाए हो ना गंगाधर, प्लीज बताओ ना, मुझे उस पर एक आर्टिकल लिखना है। देवी जी कैमरा में रील लाना भूल ही गए। ओयो क्या करूं मैं तुम्हारा, गेट लॉस्ट चुके। स्कूल के इस एनुअल फंक्शन के अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे छोटे भाई आजमगढ़ मऊ क्षेत्र से विधान परिषद के सदस्य विक्रांत सिंह रिसु जी, बड़े भाई और आदिपुर से प्रमुख श्री अरुण सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य जन, इस विद्यालय के प्रबंधक भाई परवेज खान जी, छोटे भाई दानिश जी और इस विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती सपना सिंह जी सहित सभी आज जितने भी बच्चों के हमारे माता पिता यहाँ उपस्थित हैं, इस क्षेत्र के सभी सम्राट नागरिकगण, बहुत ही सुंदर लगा आज पीकेएस स्कूल के इस प्रांगण में आने के बाद। ऐसा मुझे लगा कि ये सुदूर क्षेत्र है, मऊ से लिया जाए तब भी इसकी दूरी 25-30 किलोमीटर होगी, आजमगढ़ से भी 25-30 किलोमीटर होगा, लेकिन इस ऐसे क्षेत्र में और जिस तरह की शिक्षा के साथ और संस्कार देने का काम ये पीकेएस परिवार कर रहा है, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। आज समय कम है, अगर समय रहता तो हम लोग पूरा समय आज देते, क्योंकि जो दो तीन कार्यक्रम देखने के लिए मिला है, हम लोग बहुत जगह जाते हैं, लेकिन शिक्षा के साथ संस्कार देना वे हमारे गुरुजनों का ही कर्तव्य है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से इस विद्यालय की जो एक झलक निकल कर आई है, मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि परवेज जी और इस विद्यालय परिवार के सभी सदस्य, आपका जो मेहनत है वो कहीं जाया नहीं जाने वाला है। आने वाले समय में इस पीकेएस पब्लिक स्कूल से जो होनहार जो प्रतिभाएं निकलेंगी वो कहीं ना कहीं जाकर चिरैयाकोट का, पीकेएस पब्लिक स्कूल का और यहाँ के गुर्जरों का नाम रोशन करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। प्रतिभाएं किसी के मोहताज नहीं होती, वो जहां होती हैं वो बताती हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगली बार जब मैं आपके विद्यालय के किसी भी कार्यक्रम पे उपस्थित रहूंगा तो आपको पूरा समय दूंगा। आज समय अभाव के कारण आपसे क्षमा मांगते हुए आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित वैष्णवी जी, जिनको आप शक्तिमान के सीरियल में हम लोग भी देखे हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस क्षेत्र में आकर आप यहाँ का माहौल देखेंगी और बहुत आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और भविष्य में जब भी आप बुलाएंगे पूरे समय के साथ यहाँ उपस्थित रहेंगे। एक बार पुनः भारत के भविष्य यहाँ के बच्चों को हम शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।